मैम इकड़े मैम आज के इस ओकेजन को पास करने के लिए मैं हूं उर्मिला उनके नए शो के बारे में भी हम जानेंगे और बुरी बात के बारे में भी जानेंगे। युवावर्ती सरगम हा शो आता 1 मार्च पासून ऑन एअर झालेला आहे आणि आपली सगळ्यांचीच आवडती मराठी गाणी आपण अत्यंत वेगळ्या ढंगात आणि आपण ऐकलेली असतात की ती धून सेम असते त्या धून किंवा त्या क्रिएशनच्या मूळ गाण्याला धक्का न लावता काहीतरी वेगळं त्या अरेंजमेंटमध्ये करण्याचा प्रयत्न आपले म्युझिक प्रोड्युसर्स करता आहेत। कमलेश भडकमकर आपले बहुतांशी एपिसोडचे म्युझिक डिरेक्टर्स आहेत, त्याशिवाय आपले 2 एपिसोड्स शंकर महादेवनजींचा एपिसोड आता तुम्ही बघितला त्याचे म्युझिक प्रोड्युसर्स होते सिद्धार्थ महादेवन आणि सौमिल शृंगारपुरे। सो आमच्याकडनं एक वेगळा प्रयत्न आहे प्रेक्षकांना आपलंच म्युझिक ऐकवण्याचा आणि त्याला अत्यंत उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे प्रेक्षकांकडनं आणि प्रेक्षकांना हा शो खूप आवडतो आहे हे जाणून घेऊन पण खूप बरं वाटतं आहे। आमचं सोशल मीडियाचा फ्लडेड विथ कॉम्प्लिमेंट पण जातात, सो वी रिअली ओव्हरवेल्म्ड। So much for coming. जी युवा इस वाहिनी पर हमारा एक नया शो कोठारे विजन प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी कंपनी है प्रोडक्शन हाउस हमारा शो है जिसका नाम है सरगम। वो एवरी वेडनेसडे और थर्सडे रात को 9 बजे आ रहा है। सभी मराठी पॉपुलर गाने जो है वो थोड़े अलग ढंग से प्रेजेंट किए जा रहे हैं ये शो पर और 1 मार्च को ये शो ऑन एयर हुआ है और हमें बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है ऑडियंस से एंड ऑडियंस इज़ लविंग द शो। ये जानकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी हमें रिस्पॉन्स मिल रहे हैं ऑडियंसेस से सो दे आर अमेजिंग एंड आई थिंक एक जो हमारा सपना था कोठारे विजन का मेरे हस्बैंड आदिनाथ कोठारे उनका जो सपना था कि ऐसा कुछ म्यूज़िकल आविष्कार होना चाहिए तो वो जी युवा की सपोर्ट के वजह से साकार हुआ ये हमारा सपना और आज उसे बहुत ही अच्छे TRPs भी मिल रहे हैं और अभी आगे आगे भी बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार इस शो पर आने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये शो ज़रूर देखें। इंडस्ट्री से भी बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं एंड हमारा पहला एपिसोड इनफैक्ट उस एपिसोड में शंकर महादेवन जी थे। पहले 2 एपिसोड्स मतलब वेडनेसडे और थर्सडे 1 मार्च और 2 मार्च वॉज शंकर महादेवन और मराठी के बहुत ही प्रिय कलाकार और गायक कट्यार का आज़ाद घुसली में जिन्होंने अरुणी किरणी ये चीज़ गाई थी वो महेश काळे वो शंकर जी के साथ महेश काळे तो उनकी जुगलबंदी वो एपिसोड में जो हुई थी तो वो तो मतलब इतनी माइंड ब्लोइंग हुई थी कि लोग पीपल वर मेसमराइज्ड विद द एंटायर शो एंड बहुत सारे इंडस्ट्री से भी हमें हमारी मराठी इंडस्ट्री से भी बहुत सारे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं लोगों की तरफ। मेरा तो सिंगिंग रियलिटी शो जो फेवरेट है वो ऑफकोर्स सरगम है और उस शो की मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हूँ और उस शो की मैं एंकर भी हूँ मैं होस्ट करती हूँ वो शो और मुझे बड़ा मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ उनके एक्सपीरियंस शेयर करने का अवसर मुझे मिला है सो आई थिंक आई एम वेरी लकी। सारे महाराष्ट्रीय लोगों को
मी मराठीतच मेसेज देऊ इच्छिते, कारण की मी महाराष्ट्रीय माणसांना, प्रत्येक महाराष्ट्रीय माणसाला हा मेसेज देऊ इच्छिते की उद्या गुढीपाडवा आहे. तर मला वाटतं आपण सगळ्यांनीच सक्रिय असावं, चांगलं काम करावं, आपल्या कामावरती आपला विश्वास असावा आणि कायम एक पॉझिटिव्ह विचार मनात ठेवावा आणि पुढे जावं, मग यश नक्कीच तुम्हाला मिळेल. एक मिनट मैम. मैम यार लुक